तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आ चुके हैं, मतलब अभी रेलवे स्टेशन इटारसी में है और ट्रेन में बैठ चुके हैं। यहाँ से जाएंगे इंदौर के लिए, तो यहाँ पंचवली में बैठ चुके हैं और अब यहाँ से निकलेंगे इंदौर के लिए। तो सीट तो कन्फर्म है ही, तो अभी जा कर बैठते हैं और फिर निकलते हैं। आगे का सफ़र दिखाते हैं आपको, तो मिलते हैं आगे। फाइनली आ चुका हूँ स्टेशन पर। अब यहाँ से जा रहे हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं बाहर का क्या है, कैसा क्या है। तो चलते हैं बाहर। इंजन खड़ा हुआ है, पुराने ज़माने का भैया का ऑटो मिला है। गाइस आ चुके हैं, मतलब ऑटो में बैठ चुके हैं। अब यहाँ से जाएंगे ज़ू की तरफ, क्योंकि कॉलेज जाना है। 4 बजे के समथिंग पहुँचना है वहाँ पर, 4 से 5 बजे के बीच में कभी भी पहुंच सकते हैं। तो अभी वैसे भी फ्री है, तो मैंने सोचा चलो घूमने ही चलते हैं। तो हम जा रहे हैं अभी ज़ू की तरफ, थोड़े एनिमल्स देखेंगे वहाँ पर, थोड़ा मज़ा करेंगे, मस्ती करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे 3 बजे या 3:30 बजे के समथिंग कॉलेज की तरफ। तो चलते हैं ज़ू की तरफ, ऑटो वाले भी आ रहे हैं और निकलते हैं यहाँ से। मज़ा आने वाला है, बहुत तेज़ वाला। तो आगे मिलते हैं। आ चुके हैं ज़ू, इंदौर ज़ू। तो अभी जाते हैं, टिकट वेट लेते हैं और फिर निकलते हैं अंदर की तरफ, दिखाते हैं क्या है अंदर। तो चलते हैं, भीड़ तो बहुत हो रही है टिकट के लिए। आ चुके हैं हम अंदर और जा रहे हैं एनिमल्स देखने के लिए। तो अंदर की तरफ जा रहे हैं और दिखाते हैं क्या क्या एनिमल मिलते हैं आगे। तो आ गए हैं अंदर, बहुत लंबी लाइन थी टिकट की। तो अब यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं और दिखाते हैं क्या क्या एनिमल हैं यहाँ पर। तो चलो मज़े आने वाले हैं आपको भी और हमें भी। चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं। वैसे तो पहले से ही बट इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया। कुछ नहीं, बस इसमें क्या रहता है, कॉनकेव और कॉनवेक्स लेंस रहते हैं उसको, और भी कई लेंसेस रहते हैं उसके कारण देखती है। कुछ नहीं, थोड़ा इंजॉयमेंट के लिए आता है इन चीज़ों में। फायर, कबूतर, ये बर्ड्स हैं, शुतुरमुर्ग। रियल में ऐसी दिखती है, फर्स्ट टाइम देखा, बहुत ही बढ़िया। इकड़े आए स्नैक देखने के लिए, तो बहुत सारे स्नैक्स हैं यहाँ पर और यहाँ देखते हैं उनको, दिखते हैं कि नहीं हमें। तो दिख तो नहीं रहा है, मगर वो बैठा हुआ है नीचे, देखा दिख जा रहा है वो नीचे बैठा हुआ है। अभी मौसम गड़बड़ है इसलिए वो बाहर नहीं निकल रहा है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, दूसरे वाले सांप को दिखाते हैं। ये पाइथन है,
भयंकर बड़ा दिख रहा है, हाथ में छुपा हुआ है और एक लेटा हुआ है, बहुत सही लग रहा है। पंगे वाला दिखाते हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था की है यहाँ पर जानवरों के लिए, और सही लगता है ऐसे हाथ में कभी तो। कहाँ पर दिखी नहीं था यहाँ पर तो वो, बट दिखेगा कहीं होगा, बैठा होगा वो। तो कलर उसका सेम मिट्टी जैसा है, कारण दिख नहीं रहा है। कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। आनंद ले रहे हैं मौसम, बहुत ही बढ़िया से, बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को भी, और मुझे तो आ ही रहा है। और ये है रसल वाइपर, रसल वाइपर है, ये बहुत खतरनाक सांप होता है और उनकी जीवन काल रहती है 15 से 20 साल, मतलब जीते हैं ये। और ये 4 से 5.5 फिट लंबे रहते हैं, बहुत बढ़िया सांप है, वो भी खतरनाक से है। और ये कौन सा, ये कॉमन इंडियन कोबरा, इसी को देखना था, खतरनाक सबसे जहरीला सांप होता है, उसकी 15 से 20 साल उम्र रहती है, और ये 4 से 6 फिट लंबा रहता है, बहुत बढ़िया सा। और आज नागपंचमी है और दर्शन हो रहे हैं हमें, बहुत सही लग रहा है, क्योंकि घर तो थे नहीं नागपंचमी पर। और नीचे देखते हैं, और एक सांप यहाँ पर बैठा हुआ है नीचे मुझे के पास, ये बहुत खतरनाक से लग रहा है, पूरे नाग देवताओं के दर्शन हो जा रहे हैं आज हमें। और वहाँ पर भी नहीं दिखाई, ढूंढना पड़ेगा उसे। इसमें भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा गड़बड़ है, पानी में लेटा हुआ है, दिख रहा होगा पानी में लेटा हुआ, ऐसा गर्मी लग रही है, पता ही इतनी बरसात हो रही है, इंदौर में इतनी भयंकर बरसात हो रही है कि पूरी रोडों पर पानी है, फिर भी वो पानी में बैठा हुआ है। रेसर वो बैठा हुआ है यहाँ, आगे चलते यहाँ पे थोड़े ज़्यादा सांप है, नेक्स्ट सांप की तरफ। और यह है बॉम्बे पिट वाइपर, इसको तो घूमना मुश्किल ही, नाम को मैंने बताया क्योंकि ग्रीन सा रहता है और इतनी हरियाली हो रही है यहाँ, तो मुश्किल देखेंगे यहाँ पर वो, यहाँ दिख नहीं रहे, मुश्किल ही मिले ये तो, मैं तो बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रही कि मिल सके हमें, तो ग्रीन है और ग्रीन ये पूरा यहाँ पर नहीं है, वो है मगर वो दिख नहीं सकता ना, दिख रहा होगा पानी में बैठा हुआ,
रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया सा बनाया हुआ है, मतलब स्नैक्स के लिए बहुत सही लग रहा है, बहुत बढ़िया सा बनाया हुआ है। मज़ा आया घूम के। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा, कौन समझाए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही जैसा। सजना जी तेरे बिना जी या लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीरें साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हा, परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी होली में रंग नहीं। सेटअप बंदरों के लिए बना रहा है, बढ़िया सा सेटअप है उनके लिए। बना बैठने के लिए भी यहाँ पर, अगर ऐसे ही जंगल में होता तो बहुत सही लगता। शहर को बीचों बीच जानवरों को रखा है गलत है, अटका कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे जानवर रखे जाते हैं जो जू में जो सरवाइव नहीं कर पाते जंगल में, उन्हीं को यहाँ पर लाया जाता है। आगे यहाँ पर है सियार देखने को मिलेंगे, ये तो गांव में देखने को अक्सर मिलते रहते हैं, इसे हम लोमड़ी कहते हैं, लड़ैया कहते हैं सियार को, बहुत चालाक जानवर है, बट ये तो गांव में भी घूमते हैं खुले, मगर नुकसान नहीं करते किसी का। चलते आगे की तरफ और दिखाते हैं, ये इसमें और भी हैं, आगे चलते हैं आगे और दिखाते हैं की तरफ, दिखाते हैं क्या है आगे। तो फाइनली सबर ख़त्म हुआ और अब हमें यहाँ पर भेड़िया मिलेगा, सोचता था इतना बड़ा केज है तो शायद टाइगर का होगा, मगर बट यहाँ भेड़िया है, वो भेड़िया भी दिख नहीं रहा है कहाँ है। सिट यार, क्या पता कहाँ पर है, केज में होगा वो, वहाँ पर ऊपर केज है उसका। चलो चलते हैं टाइगर देखते हैं, जिसको देखना है वही देखेंगे। बढ़िया सी गैलरी है, अच्छा लगता है ऐसी जगह आते हैं तो, माहौल बिल्कुल पेड़ झाड़ पेड़ों वाला है, बकायदा तो सही लग रहा है, चारों तरफ झाड़ पेड़ है, बहुत बढ़िया सा। तो यहाँ क्या हो सकता है देखते हैं, पार्क है बट क्योंकि बैठने की व्यवस्था है, खुला हुआ है तो कोई भी समझ जाएगा कि ये पार्क है। चलते हैं आगे और दिखाते हैं, ये भी बहुत बढ़िया लग, सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी मुझे, बढ़िया सी।
ट्री हाउस सही लगा ये। ओहो दिख गए सिट, टाइगर दिख गए, टाइगर दिख गए। बहुत बड़ा जानवर होता है यार, रियल में पहली बार देखा इतना बड़ा जानवर। वो बैठा हुआ है लास्ट एनिमल टाइगर, इतना भयंकर लग रहा है वो, मेरे को समझ नहीं आ रहा ऊपर कैसे चढ़ गया होगा, जबकि कुछ चढ़ने के लिए नहीं है वहाँ पर। मस्त सो रहे हैं तीनों, तीन ही दिख रहे हैं यहाँ पे तो खतरनाक। इतना बड़ा, इतना बड़ा जानवर है रियल में, पहली बार देखा इतना बड़ा जानवर। वाइट टाइगर मगर दिख नहीं रहा है, ढूंढ तो रहे हैं ऐसे, शायद ऐसा केज बना हुआ है उसके अंदर होगा। बट नहीं दिखा वो, क्या पता आराम कर रहा होगा, डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। कहाँ पर है? देखिए गया वाइट टाइगर, वो बैठा हुआ है नीचे, पानी गिर रहा है इस कारण वो छाया में बैठा हुआ है। बहुत भयंकर बड़ा है वो भी। आगे चलते हैं और दिखाते हैं। यूट्यूब पे हाँ, ये देखिए ब्लैक टाइगर कितना भयंकर लग रहा है दूर से ही, पास से तो क्या पता, मतलब होगा वो हाथी ऐसा तो लग रहा है यहाँ से, समथिंग समथिंग। देखिए कितना भयंकर लग रहा है वो, फर्स्ट टाइम देखा है। शांति से बैठा हुआ है पानी से बचते हुए, और यहीं पास में वाइट टाइगर का भी केज है, तो दोनों शांति में रहते हैं मेरे हिसाब से, दोस्त होंगे बचपन के। बहुत ही भयंकर है, शक्तिशाली होगा इसलिए अकेला रखा है इसे। आगे दिखाते हैं और टाइगर आपको, अभी तो इसे आराम करने देते हैं, तो क्या पता केज कूद कर आ जाए और उठा कर ले जाए हमें, इसलिए चलते हैं। मज़ा आया मगर देखकर, इसको देखने आए थे वही दिख गया, खतरनाक सा लग रहा है। तब चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं जानवर। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना।